मैं विमल नागनपुरिया, नागनपुरिया पोल्ट्री इक्विपमेंट इंदौर से, और मेरे साथ में हैं ज्योति सिंह एंड सोनम गंगाड़े। हम आज ना निप्पल ड्रिंकर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा जो निप्पल ड्रिंकर है वो किस प्रकार से काम करता है और हमारे निप्पल ड्रिंकर की खासियत क्या क्या है। तो ज्योति से बोलूंगा कि ज्योति एक बार ना हमारे जितने भी फार्मर भाई हैं उनसे एक बार बताइए, उनको एक बार बताइए कि हमारे निप्पल ड्रिंकर की क्या खासियत है और कैसे वर्क करता है। ये निप्पल है, ये 360 डिग्री का निप्पल है ना, मतलब आपका बर्ड अगर इसमें चोट मारता है तो उसको कहीं से भी किसी भी डिग्री से वो चोट मारेगा तो उसको पानी मिलेगा, है ना। ये ओपनेबल है, इंडिया में सिर्फ हमारी ही कंपनी है अभी तक जो ओपनेबल निप्पल प्रोवाइड कर रही है। चालू लाइन में आप उसको निकाल के वापस साफ करके भी लगा सकते हैं, रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा आपको इसको, है ना। बेस्ट क्वालिटी है और निप्पल है, देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये पूरी तरह से, ये जो इसका रेड पार्ट है ये भी पूरा ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है ये। और इसके साथ ये जो इसका हुक है ये डबल लॉक वाला है, मतलब कि आपको अटैच करने में ये, हम जैसे कि निप्पल ड्रिंकर देख रहे हैं कि ये जो निप्पल ड्रिंकर है ये 100% ओपनेबल है, जो कि इंडिया में कभी भी कोई भी कंपनी अभी तक बना नहीं पाई है जो कि चालू लाइन में हम इसे निकाल पाए, है ना। तो हम इसे सबसे पहले क्या करते हैं कि ये बिग वाली रिबिट नीचे डालते हैं, फिर इसमें स्टेनलेस स्टील बॉल डालते हैं और फिर ये थोड़ी सी लंबी वाली रिबिट इसमें ऊपर डालते हैं। ये करके हम इसे पुश करते हैं, ये निप्पल हो गया। इसे आप जब भी आपको ऐसा लगे कि निप्पल लीकेज हो रही है या किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप इसे यहाँ से ओपन करिएगा। इसके अंदर एक बॉल और दो रिबिट्स हैं, उस रिबिट्स को हाइड्रोजन परऑक्साइड या फिर किसी भी प्रकार का कोको कोला ले लीजिए, थम्सअप वगैरह ले लीजिए, इसको रात भर डूबे रहने दीजिए तो इसके अंदर जो भी कैल्शियम है वो जमा हुआ कैल्शियम निकल जाएगा और आपका निप्पल लीकेज होना बंद हो जाएगा। फिर आप तुरंत इसको इस टाइप से इसमें थोड़ा सा ब्रेक करिएगा, इसको इस टाइप ब्रेक करके इसको ऐसा लगाइए, ये लग गया। आप इसको डायरेक्टली आपके पाइप जो भी है, दो टाइप के पाइप हम इसमें यूज कर सकते हैं, एक 22.3 mm स्क्वायर पाइप, ये 22.3 mm का स्क्वायर पाइप है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सी जगह स्क्वायर पाइप की व्यवस्था नहीं होती है तो आप इसे 25 mm का फिनोलेक्स का ये पाइप यूज कर सकते हैं, आप इसको रिजिड पाइप बोलते हैं। इसमें एक 9 mm का ड्रिल करिए, 9 mm का ड्रिल करने के बाद में इसके जो सस्पेंशन है, अगर बाय द वे किसी भी प्रकार की समस्या आए आपको लगाने में, राउंड पाइप में ये लग नहीं रहा हो या फिर इतना रह जाए, तो ये सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन को थोड़ा सा ड्रैग करिए, ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं क्योंकि 100% वर्जिन प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है। इसको आप थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए, इसके सस्पेंशन खुल जाएंगे। उसके बाद में आप इसको यहाँ लगा करके यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, वेरी इजी, है ना। तो इस टाइप से दिखेगा आपको, बहुत अच्छी चीज है। हमने ये निप्पल आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया है, है ना। अब ये निप्पल लगा दिया है, इसके बाद में हम इस निप्पल को स्क्वायर पाइप में लगाएंगे। ये है स्क्वायर पाइप 9 mm का, इसमें ड्रिल है, इसको ऐसे लगाएंगे और इसे लॉक कर देंगे, ये लग गया। ये पूरा स्वदेशी प्रोडक्ट है, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत बना हुआ है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें बना है। इसके साथ में फिर ये निप्पल हो गया, इसके साथ में फिर एक क्लिप लगती है, इसको हम बोलते हैं बी क्लिप। ये दो पाइप को हैंग करने में यूज की जाती है, दो पाइप को हैंग करने के साथ साथ इस क्लिप से निप्पल लाइन को आप आपके शेड में हैंग कर सकते हैं। इसको बहुत इजी है, इसको ऐसे लगाया जाता है इस टाइप से, ये ले। इसके बाद में हम इसमें 25 mm का पाइप लगाते हैं, लोहे वाला, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये डेमो बता रहा हूँ, हमारे पास अभी GI पाइप अवेलेबल नहीं है, इसी साइज का होता है 25 mm। इसको हम ऐसे लगाएंगे तो ये लॉक हो गया इस टाइप से, और इसके ऊपर जस्ट एक 2 mm का वायर रोप रहता है ताकि बर्ड लाइन के ऊपर बैठे ना,
इसको इस टाइप से हम करेंगे, ये लग गए, इस टाइप से ये लाइन रेडी हो जाती है। इसी टाइप से बहुत इजी है, बहुत से फार्मर भाई निप्पल लेने के बाद में टेंशन में आ जाते हैं कि हमने निप्पल तो ले लिया है, हम उसको लगाएंगे कैसे, टेक्नीशियंस की जरूरत होती है, लॉकडाउन चलते रहता है, कहीं एंट्री होती है कहीं एंट्री नहीं होती है। बहुत इजी है और हमारे सारे वीडियोस यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। आप चाहें तो आप हमारे नागनपुरिया पोल्ट्री प्राइवेट लिमिटेड गूगल पर टाइप करें, उसमें हमारा आपको एक यूट्यूब का चैनल खुलेगा। यूट्यूब का चैनल खुलने के बाद में आप डायरेक्टली सारे वीडियोस देख सकते हैं। Thank you so much.